अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उतनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उतनानस गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो कुछ कटिंग्स दिखाऊंगा जो कि आप अभी अक्टूबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं, आगे नवंबर में भी इनको ग्रो कर सकते हैं, जो कि अभी आसानी से ग्रो हो जाएंगी और आप इनसे नए प्लांट बना सकते हैं। ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी और इनका रिज़ल्ट आ गया है, सोचा इस वीडियो में मैं आपको वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूँ जो कि आप अभी जिन कटिंग्स को अभी आप लगा कर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडर प्लांट पर। स्पाइडर प्लांट के ये दो रनर्स मैंने कुछ टाइम पहले लगाए थे जो कि ग्रो करना शुरू कर दिया है जिन्होंने, इनको भी आप अभी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सिंपली आपने रनर्स ले लेना है और सैंडी सॉइल सेलेक्ट करनी है। रिवर सैंड जो होती रिवर वाली जो सैंड होती है उसका मिक्सचर ले लें, आप सॉइल का मिक्सचर ले लें, उसमें ये रनर्स अच्छी तरह ग्रो करते हैं। अगर आपके पास जो है वो सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल है तो आप उसमें 50% जो है वो कंस्ट्रक्शन सैंड जो के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है उसमें मिक्स करके आप जो है वो ये सॉइल बना सकते हैं। इसमें ये रनर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करते हैं। ये रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। सेकेंड नंबर पर आता है स्नैक प्लांट, जिसे सेंसेवेरिया भी कहा जाता है। इनकी कटिंग्स भी आप अभी लगा सकते हैं, जैसा कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो इनमें भी ये जो है वो अच्छा ग्रो करते हैं, जैसा कि ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये कुछ टाइम पहले जो है वो मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी जिन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया है और एक अदद नया रनर निकाला है। इसके लिए भी आपको सिंपल नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा देना है और इसे बहुत ही कम पानी देना है। एक हफ़्ते में जो है वो एक दफ़ा आप इसे पानी दे तो इसलिए इसके लिए जो है वो काफ़ी है। तो नंबर थर्ड पे आता है मनी प्लांट की कटिंग्स। मनी प्लांट की कटिंग्स आप सारा साल लगा सकते हैं सिवाय जब सख्त सर्दी जो कोहरा पड़ा होता है या फिर जून जुलाई में जब ज़्यादा गर्मी पड़ी होती है। तो उसके अलावा आप सारा साल किसी मौसम में भी मनी प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। ये भी कुछ टाइम पहले जो है वो मैंने मनी प्लांट की कटिंग्स लगाई थी जिसने जो है वो ग्रो करना शुरू कर दिया है। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है कि मनी प्लांट की कटिंग्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं और कौन सा मीडिया जो है वो मनी प्लांट की कटिंग्स के लिए बेस्ट रहता है, वो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये कटिंग जो है वो मैंने पीट मॉस में ग्रो की थी, जिसमें यह है कि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। सॉइल में भी आप इसकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। और नंबर फिफ्थ पर आती है ये कोलियस का प्लांट। इसकी कटिंग भी लगाए हुए मुझे तकरीबन दो हफ्ते हो गए हैं और इसने जो है वो अपनी नई ग्रोथ निकाल ली है, जैसा कि देख सकते हैं आप इस पर नए बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। इसकी कटिंग्स भी आप अभी लगा सकते हैं, जैसा कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के स्टार्ट से लेकर आप नवंबर मिड तक जो है वो नवंबर के मंथ तक भी इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो फुलियज प्लांट्स होते हैं कोलियस के, इसमें बहुत सारी वराइटीज़ को बहुत से कलर्स वेरिएशन वाली वराइटीज़ आती हैं। ये है नंबर सिक्स पे जो है वो ये नाइट जैस्मीन का प्लांट या फिर जिसे रात की रानी का प्लांट कहते हैं। इसकी छोटी सी बारीक सी मैंने कटिंग ली थी, उसको मैंने नॉर्मल जो है वो सैंड और सॉइल के मिक्सचर में लगा दिया, जिसने यह ग्रो करना शुरू कर दिया। जैसा कि ये आपको नज़र आए इसने नया बर्ड निकालना शुरू कर दिया। इसका भी अभी बेस्ट टाइम है इनकी कटिंग्स को ग्रो करने का, और या फिर दिसंबर के बाद जनवरी के स्टार्ट में आप इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। और अभी भी इनको आप ये मंथ है अक्टूबर का, इनमें भी आपको कटिंग्स लगाने का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नंबर सेवन पर जो आता है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट की कटिंग्स भी आप सारा साल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सख्त सर्दी जब पड़ना शुरू होती है तो जेड प्लांट जो है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। इसलिए इसका जो बेस्ट टाइम कटिंग्स लगाने का रहता है वो फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक जो है वो आप, दिसंबर में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो जाती है लेकिन अक्टूबर नवंबर में इनकी कटिंग्स आप जो है वो आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जिनकी कटिंग्स आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास खुद पर्सनली जिन्हें मैंने टेस्ट किया हुआ है उन्हीं का रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया है। तो इसी वीडियो में इसलिए मैंने वही प्लांट्स दिखाए हैं जो कि मैंने खुद पर्सनली ग्रो किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।